अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आदाब। आप सबका मेरी क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश और मैं हूँ सफिया अंजुम। हमारा आज का जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे, एक तो हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे और हम अब हमारा नया नेक्स्ट अगला टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। आज के दिन मैं कोई क्वेरी पिछली वाली नहीं ले पाऊँगी ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शन एंड बाकी का और कुछ हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत माजरत करती हूँ आप सब से। आई एम रियली सॉरी कि रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही। एक्चुअली कुछ इश्यूज थे जो मैं डिस्कस नहीं कर सकती आपके साथ, जो था कुछ भी था जो इश्यूज रहे। एंड एक्चुअली एक सिटी से मुझे दूसरी सिटी को मूव इन करना था, तो दैट इज़ द रीज़न यू नो। फिर बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स एंड ऑल, हेल्थ इश्यूज वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं है कि हमें फिक्र नहीं है, फिक्र बराबर है, लेकिन वक्त की कमी थी और हालात भी ऐसे थे कि रिकॉर्डिंग्स बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तो उसके लिए मैं फिर से आपसे अगेन आई अपोलोजाइज, ठीक है, हो सके तो माफ़ कर दें। एंड इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी हालात हैं अब मैं उन आपके लिए रिकॉर्डिंग्स ज़रूर करूँ। तो इसलिए आज भी वक्त की कमी है, इसलिए मैं बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी कि हम टिप्स वगैरह अभी रहने देते हैं। मैं अगली क्लास में वो देखूँगी आज के दिन, क्योंकि आज अब हमारे काफ़ी दिनों बाद पहली क्लास हो रही है, तो आज के दिन हमारी सिर्फ टू द पॉइंट बात होगी। ओके, तो चलते हैं फिर प्रीवियस क्लास रिवीजन। ठीक है, आई होप पिछली क्लास का आपको कुछ थोड़ा आइडिया होगा हमने क्या किया था। अभी आपको लेट मी शो यू। ओके, ये आपकी स्क्रीन के सामने मैंने पिछली क्लास का जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करे थे वो डाला हुआ है। और ठीक है, ये था हमारा पिछली क्लास का जहाँ पे हमने टेंसेस स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, टेंस मैंने क्या बोला था कि टेंस एक वर्ब का फॉर्म है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम वक्त, समय, टाइम उसको इंडिकेट कर सकें। और कभी कभार हमारा एक्शन या इवेंट, कोई काम कंप्लीट हो रहा है या काम कंटिन्यू हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है या फिर वो अभी भी चल रहा है, काम हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है, उससे वो हमें किससे पता चलता है, वो हमें टेंस से पता चलता है। और टेंस क्या है, वो है फॉर्म वर्ब की। और वर्ब क्या है, वर्ब अगर आपको याद हो तो मैं काफ़ी दफ़ा, हर दफ़ा मैंने आपको बताया है कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ठीक है, अगर कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, वो हमें किससे पता चलता है, वर्ब से। ओके, उसके बाद हमने बोला, अच्छा, स्टेट इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो जब हम बात कर रहे हैं उस समय पे, काम ख़त्म हो चुका है या अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, उस समय उसके रिलेशन में, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं टीच कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, राइट। तो मैं इस टाइम पे आपको पढ़ा रही हूँ, और अगर मैंने कहा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव टॉट, तो मतलब इन रिलेशन टू द करंट टाइम, जब मैं बोल रही हूँ उस समय पे वो काम हो चुका है, वो कंटिन्यू हो रहा है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें टेंस से पता चलता है। और टेंस हमने बोला था कि लेटेंट वर्ड है और टेंपस है और मीनिंग इसका टाइम है। इंग्लिश में हमने देखा कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस को क्या है, इट इज़ यूज्ड टू रेफर टाइम। टाइम यहाँ पर काम का मतलब क्या है, टाइम ये मतलब है कि 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, नो, टाइम यहाँ पर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सिर्फ तीन कैटेगरीज है टाइम की। पास्ट जो गुजर चुका है, प्रेजेंट हाल मतलब जो चल रहा ज़माना, और फ्यूचर मुस्तकबिल आने वाला कल। ठीक है, ये था हमारा इंट्रो टेंस का। उसके बाद हमने, हाँ, सिलेबस हमने आपको दिखा दिया था कि ये चीज़ें हमने कर ली हैं जो हाइलाइटेड हैं, और टेंसेज हमने शुरू कर दिया था। ये हमारा सिर्फ FAA का है, बाकी आपको तो पता ही है। अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ टेंसेज क्या होती हैं।
अभी हमने पढ़ा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर था, और हमने भी पढ़ा कि तीन इसके टेंसेस के टाइप्स होते हैं, और सबसे पहले जो पास्ट है, तो पास्ट में हमने, पास्ट टेंस में हमने क्या क्या कहा था कि चार इसकी टाइप्स होती हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सेम डिट्टो हमारे प्रेजेंट टेंस में भी है और हमारे फ्यूचर टेंस में भी है टाइप्स। सिर्फ करना क्या है आपको, यहाँ पास्ट लिखा है, ठीक है, तो पास्ट की जगह प्रेजेंट और प्रेजेंट के बाद फ्यूचर, ठीक है, तो बाकी जो नाम है बिल्कुल सेम सेम है। हाँ, डिफरेंस क्या है वो तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो टोटल में हमने देखा कि 12 टाइप्स होती हैं टेंसेस की। ओके, पहले तो सब कैटेगरी तीन होती हैं और उसके बाद उनके आगे चार चार। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं उसको बोलती हूँ मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट तो हमारा हो चुका, अब हम सिंपल पास्ट टेंस आज करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको पहले उसी से रिलेट कराना चाहती हूँ, ठीक है। पहले तो प्रेजेंट को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और फिर हम आज सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे जी। तो पहले हम इसका रिवाइज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, अभी सिर्फ रिविजन चल रही है, तो थोड़ा सा आई विल बी फास्ट। ओके, आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है, और अगर आपकी पहली क्लास है तो प्लीज़ आप रेफर करें मेरी लास्ट क्लास, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने बोला था, ये तो पता ही है कि वर्ब है टेंसेस की फॉर्म, और ये हमें बताता है व्हेन द एक्शन हैपन्स। व्हेन मतलब कब, ठीक है, कब एक काम हो रहा है, तो हमें बताता है। वर्ब तो बताता है कि काम हो रहा है, यू नो, वर्ब बताता है एक्शन वर्ड कि एक्शन हो रहा है, कब हो रहा है वो हमें कौन से बोलता था, टेंसेस बताते हैं। ओके, अगर तो एक्शन रेगुलरली हो रहे हैं या फिर कभी कभार हो रहे हैं या कभी होते ही नहीं हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आप समझें तो वो ये है कि जिसका जिस जब हमें किसी सेंटेंस में पता ही ना चले कि काम हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, मतलब ऐसा कोई ज़माना ना पता चले, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जो हम रेगुलरली करते हैं, समटाइम करते हैं, नेवर करते हैं, ठीक है, अच्छा कभी नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम हमेशा अपने हाथ धोते हैं। अब मुझे बताएं, वॉश वर्ड एक सिंपल वर्ड है, ना तो इसमें आईएनजी लगाकर इन्हें वॉशिंग बनाया है, वॉशिंग होता तो प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूस होता, वो आप आगे देखेंगे, वॉशिंग मतलब कंटिन्यूस मतलब काम हो रहा है, हाथ धोए जा रहे हैं, या ना तो वॉश्ड है, वॉश मतलब हो चुका, हाथ धो लिए, ना तो ये पता चलता है, सिंपल वॉश बोला गया है, तो मतलब जो काम रेगुलरली होता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर वो वर्ड्स यूज़ होते हैं जो सिंपल है, इनमें कोई भी एडिशंस ज़्यादा नहीं होती। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, जो कभी कभार लेंस में हिज बाइक, अब लेंस मैंने आपको पहले बोला था कि अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ओके, और वो थर्ड पर्सन क्या है, वो सिंगुलर है, ठीक है, एक बंदा है, तो हम जो हमारा एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है या फिर हम टेंस कह सकते हैं, वो हम प्लूरल लेंगे, मतलब हम उसमें ऐड करेंगे एस। ओके, यहाँ पर ऐसे प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके तो होते ही हैं, बट एक तरीका ये भी है। अच्छा, वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स, और यहाँ पर आपने देखा जब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, दोनों के टाइम पे हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर ही वर्ड लेते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड या टेंस जिसको कह सकते हैं आप, वो हमारा सिंगुलर ही रहता है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, उस वजह से यहाँ पे भी हमने थर्ड पर्सन में, मैंने आपको बोला था डैड है, थर्ड पर्सन है और डॉग्स, ठीक है, प्लूरल, तो ये सारे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको ये मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि फैक्ट्स को भी बताता है, फैक्ट्स मतलब जिन पर कोई डाउट ना हो,
जो प्रूवन है। अच्छा, सन राइजेज एवरी मॉर्निंग, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है, हर जगह ये फैक्ट है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हमने सिंपल वर्ड लिया है, उसमें हमने बस ऐड किया है एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर प्लूरल बना दिया इसको। ओके, तो ये सारे भी आगे आप खुद देख लेंगे। ओके, उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इज लिखा है तो ये क्या है। इज जो है वो एम का ही दूसरा वर्ड है, ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है किसी थर्ड चीज़ के लिए, थर्ड पर्सन, जिसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज थर्ड पर्सन। पर्सन डजंट मीन कि यहाँ सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, कंट्रीज, थिंग्स, मतलब कोई भी नाउन अगर हो तो थर्ड पर्सन नाउन जो होगा उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने वो यूज़ किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम क्या किया था हमने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमें इवेंट्स बताता है एक स्टोरी के, जब कोई वो हो रहा हो, मतलब प्रेजेंटली वो हो रहा है, हैपनिंग नाउ, और उस कहानी के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, जो किस्से हैं, वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही पता चलते हैं। जैसे कि मैं स्कूल पहुंचा, मैंने देखा कि लड़की रो रही है, मैंने उससे पूछा क्यों उदास हो, और उसने कहा कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ खेलूं, और मैंने उससे कहा कि यू कैन प्ले विद मी, आप मेरे साथ खेल सकते हो। सो ये सारे आप देख रहे हैं, एक ही स्टोरी है और काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके जो कुछ कुछ हिस्से हैं, जो वो नरेशन है, ठीक है, उसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो हो जाएगा, ठीक है, दैट विल हैपन। तो क्या होगा, स्कूल स्टार्ट होगा कल से, नए सुपरमार्केट खुलेगा फ्राइडे से, तो ये सारी चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं। या वी फ्लाइट टू लंडन संडे, हम जाएंगे, तो जो भी फ्यूचर में होने वाला होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज कैसे बताएंगे, आने वाले कल में कुछ होने वाला है और हम उसकी बात आज कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो तब कैसे होगा, वो ऐसे होगा। ओके, नेक्स्ट मैंने कहा था एम इज और आर, मैंने आपको भी कहा था कि एम ही जो है वो प्रोनाउन है आई का, और एम हमेशा यूज होता है आई के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, और वो भी सिंगुलर वाला, वी के साथ नहीं होता, वी के साथ हमेशा आर यूज होता है, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम यूज होता है, मतलब एम के साथ सॉरी हमेशा आई यूज होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि यूज इज जो विद सिंगुलर, ओके, अगर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम कौन से प्रोनाउंस, मतलब जो प्रोनाउंस ही शी इट, उस पर हमने बहुत टाइम लगाया था, उसके साथ हम इज यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर सिंगुलर हो, और अगर प्लूरल हो तो हम आर यूज़ करते हैं। और अब देखो, यू जो है यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है, आपको पता ही है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन नाउन जो है उसके साथ आर यूज होता है, और जो थर्ड पर्सन है दे एक से ज़्यादा है, ओके, प्लूरल में है, तो आर यूज़ होता है, और अगर तो फर्स्ट पर्सन है और वो भी प्लूरल है तब भी आर यूज़ होता है। इसके लिए आप ये मैंने आपको कराए थे, आप यू कैन गो बैक टू दीज एग्जांपल्स। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाँ ये ठीक है, ये हमारा आ गया टेबल, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो मैंने आपको बताया, यही वो वही से फिर से वही बात हो रही है। और हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स देखे थे, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, आप देख लें। ओके, फिर हमने पढ़ा था देयर इज और देयर आर, देयर इज और देयर आर क्या है, देयर इज अ ट्री, गार्डन में है, लड़की है जिसका फरहान नाम है। ओके, ये हमारी क्या चीज़ें कि हम देयर को हमेशा इज के साथ यूज़ करते हैं और आर के साथ यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि क्या एग्जिस्ट करता है और हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट क्या करता है। तो देखो, देयर इज़ अ ट्री इन आवर गार्डन, मतलब एक गार्डन में, हमारे गार्डन में ट्री एग्जिस्ट करता है, तो हमने देयर इज़ लिखा। देयर इज़ हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक ट्री है, आर ट्री, ठीक है, अगर ट्रीज होता तो देयर आर ट्रीज लिखते, तो बस दिस इज़ अ डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं है।
ठीक है, तो हम देर इज़ यूज़ करते हैं विद सिंगुलर नाउन्स एंड देर आर यूज़ करते हैं विद प्लूरल नाउन्स। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, देर इज़ का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देर अपोस्ट्रॉफ और फिर एस, इसको जो है ऊपर जो हम इसको डालते हैं ये वाला, इसको हम अपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। ओके, अपोस्ट्रॉफ एस, एस तो उसके बाद ये ऐड हो गया, ठीक है, आई को हटाकर। तो बेसिकली क्या होता है, देर हमने पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद आई को हटाकर अपोस्ट्रॉफ डाल दिया और एस, और इनको इकट्ठे लिखना है कोई विदाउट एनी स्पेस। ओके, उसके बाद मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी थी, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। ओके, तो करते हैं, आप अच्छे खासा हमने रिवीजन कर लिया है, अब हम करते हैं आज की क्लास शुरू। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आज का हमारा जो टॉपिक है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं ये देखें, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस ये देखो, अभी अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो रिवाइज कराया है, और अब मैं शुरू कराने जा रही हूँ सिंपल पास्ट टेंस। शायद आप समझ पा रहे हो कि क्यों मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद ही सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया है, शुरू करा रही हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट, मैंने टीचर्स देखे हैं, वो इस तरह से कराते हैं कि पहले वो पूरा का पूरा, लेट मी शो यू, हाँ, ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स क्या देख, जो टीचर्स हैं अक्सर क्या करते हैं, अपना अपना तरीका होता है हर किसी का, ठीक है, तो ज़्यादातर टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि पहले वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कराएंगे, ओके, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराएंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कराएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कराएंगे, मतलब वो पूरा एक, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या चाहे वो पास्ट टेंस हो, पहले उसके पूरे चार सब कैटेगरीज करा लेते हैं, फिर दे मूव टू नेक्स्ट जो टेंस है, ठीक है। लेकिन मेरा अपना एक तरीका है, और मैं चाहती हूँ कि पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करें, उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस करें, और उसके बाद हम सिंपल फ्यूचर टेंस करें। वजह ये है सो दैट यू कैन रिलेट, ठीक है, आप तीनों का जो है वो डिफरेंस देख सके और समझने में आसानी होगी। अदरवाइज़ अगर मैं आपको पहले ही सारे चारों दिखा दूँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और जब तक सिंपल फ्यूचर टेंस की बारी आएगी, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस करा दिया, फिर ये सारे करा दिए, जब तक मेरे इस सिंपल पास्ट टेंस की बारी आएगी तब तक आप वो भूल चुके होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है ना, कहीं ना कहीं भूल चुका था इंसान, और आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा मुश्किल भी रहेगा कि क्योंकि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, थोड़ा थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है, समझने का। तो बेसिकली इसी को अवॉइड करने के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो और आप बहुत ही आसानी से समझ पाएँ, तो मैंने ऐसा सोचा है कि पहले हम वन बाई वन जो इनके पहली पार्ट्स है, पहले सब कैटेगरीज तीनों की, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, पहले हम वो कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, फिर उसके भी इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आई होप इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, लेट्स ओके गेट बैक टू आवर टॉपिक। ओके, सो ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट कर दिया हमने, प्रेजेंट में हमने क्या बोला था कि जब कोई काम हम रेगुलरली करते हैं, कभी कभार करते हैं, या कभी करते ही नहीं है, अभी यही पढ़ा था ना, तो तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी, यूज़ सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन्ड इन द पास्ट, जो हो चुका, जो काम ख़त्म हो चुका, वो यहाँ पर आता है। और पास्ट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ईडी ऐड करना होता है टू द वर्ब, जो भी वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, उसको हमने ईडी लगाना है। देखो, लुक इज एन एक्शन वर्ड, इस पर हमने ईडी लगा दिया तो ये लुक्ड बन गया, और ये अब एक हमारा सिंपल पास्ट टेंस बन गया, ठीक है। ओके, इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, ओपन, ओपन भी एक्शन वर्ड है, और ईडी
हमने लगाया तो ये पास्ट टेंस बन गया, ठीक है। तो देखो, आई ओपन द डोर एंड लुक्ड इनसाइड, मैंने दरवाज़ा खोला, खोला मतलब खोला, समझ आ रहा है, खुल चुका है दरवाज़ा, खुल चुका है, वो काम ख़त्म हो चुका है। एंड लुक्ड इनसाइड, और मैंने देखा भी, देखा अंदर, मतलब ये काम हो चुका है। कब हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं पता, लेकिन ठीक है, ये इतना सिर्फ पता है कि ये बस हो चुका है। द प्लेन लैंडेड 10 मिनट्स अगो, ठीक है, 10 मिनट पहले ही प्लेन ने लैंड कर लिया। अच्छा, माय कज़न विजिटेड अस लास्ट समर, तो मेरे कज़न लास्ट समर हमसे मिलने आया। अच्छा, वी वॉक टू स्कूल यस्टरडे एंड शी लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड हर द जोक। तो यहाँ पर आप देखिए, सभी जगह पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ठीक है, ये वाले सारे, यहाँ पर ये सारे जो है सिंपल पास्ट टेंस हैं, और ये हमें ये बताते हैं उस बारे में, बात उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हो चुकी हैं, ठीक है, जो माजी में हो चुकी हैं। अब और क्या करना है नेक्स्ट, इफ़ अ वर्ब एंड्स इन ई जस्ट एड दी टू मेक द सिंपल पास्ट टेंस। अब हमें ये कोई तरीके बताते हैं कि हमें एक एक्शन वर्ड को, एक वर्ब को हमें सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाना है, क्योंकि कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ उठाकर हमें एक वर्ब लेना है, वर्ब को हमें कुछ एडिशन करनी है, कुछ वर्ड्स और कुछ लेटर्स ऐड करने हैं, कुछ ठीक है, और वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस बनता है। सिंपल है ना, तो कुछ और ऐड नहीं करना, ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हमने क्लोज को डी लगाया, इन्होंने कहा कि जब भी कोई वर्ड ई से, जब भी कोई एक्शन वर्ड, जब भी कोई वर्ब ई से एंड होता है, तो हमें सिंपली उसमें डी ऐड करना है और कुछ नहीं करना, और वो सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। तो जैसे कि हु क्लोज्ड ऑल द विंडोज, तो क्लोज है हमारा वर्ब, हमने वर्ब को ऐड किया डी, ठीक है, और ये बन गया क्लोज्ड। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस बन गया, और इससे हमें ये पता चला, ये सवाल में पूछ रहा है किसने विंडोज बंद कर ली, ठीक। वी लिव्ड इन दैट हाउस व्हेन आई वाज अ बेबी, उसी तरह से यहाँ पर भी हमने लिव है, ई से एंड होता है, हमने इसमें डी ऐड कर दिया, ठीक है, ये देखो ई से एंड होता है, ओके, और हमने इसमें सिंपली डी ऐड कर दिया, और ये हमें बताता है कि मैं उस घर में रहता था, हम उस घर में रहते थे जब मैं बेबी रहा, छोटा बच्चा था, ओके। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ मी, यहाँ पर उसने मुस्कुराया जब उसने मुझे देखा, ठीक है, ये बन गया सिंपल पास्ट टेंस। वी रेस्ड ईच अदर ऑन आर बाइक्स, तो यहाँ पर भी अगेन ई है तो डी हमने ऐड कर दिया। सिंपल, तो एक तरीका ये है कि जब हम भी कोई एक्शन वर्ड ई से एंड होता है, तो हमें सिंपली उसको डी ऐड करना है, ताकि हम उसको सिंपल पास्ट टेंस बना सकें। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम, ये वाला भी तो पास्ट है, ठीक है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट के बारे में बोलता है, तो यहाँ पर इसकी बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे उसकी बात हो रही है जहाँ पर ई से एंड होता है, ठीक है, इसकी अलग से बात होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, इसको अभी आप फिलहाल छोड़ दें। नेक्स्ट, इफ अ वर्ब एंड्स इन वाई चेंज द वाई टू आई बिफोर एडिंग ईडी, अच्छा एक हमने ऊपर कर लिया ई से एंड होता है, अब अगर कोई वर्ड वाई से एंड होता है, तो हमें उस वाई को चेंज करना है, कैसे, हमें उसमें आई ऐड करना है और हमें ईडी भी ऐड करना है, तो हमें इसमें तीन चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, वाई हटा देना है, वाई की जगह आई लिख देना है, और हमें उसमें ईडी ऐड करना है, बस ये दो काम करने हैं, एक्चुअली बेसिकली तीन काम करने हैं, वाई हटा दो, आई लिख दो और ई डी ऐड कर दो, ठीक है। तो आई कैरीड माई मॉम्स शॉपिंग बैग, अगर तो ये प्रेजेंट टेंस होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, फटाफट से सोचें, अभी अभी हमने किया है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर सिंपल वर्ड होता आई कैरी,
माई मॉम्स शॉपिंग बैग, है ना, सिंपल होता. क्यों? क्योंकि वो काम जो हम रेगुलरली करते हैं, कभी कभार करते हैं, जो नहीं करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. और हो सकता है कि ये बच्चा या जो भी है अपनी माँ का बैग जो है वो अक्सर उठाता हो, ठीक है, रेगुलरली उठाती हो, जैसे ये लड़की रेगुलरली उठाती हो, तो या हो सकता है कभी कभार उठाती हो, तो आई कैरी होता है. तो आई कैरी आ जाता है अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता. अब ये सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमें इसी कैरी वर्ड को हटाकर कैरीड बनाना है, राइट. तो हमने क्या किया, आई कैरी माई मॉम्स शॉपिंग बैग. आई कैरीड, तो मैंने अपनी माँ का जो शॉपिंग बैग है उसको कैरी किया. माई ब्रदर क्राइड व्हेन ही फेल ऑफ हिज बाइक. अब ये काम देखो रोज़ रोज़ तो नहीं होते, रेगुलरली नहीं होते, और समटाइम्स भी नहीं हम करते, कभी, ये तो कभी लाइफ में एक दो बार ही होगा, ठीक है. तो माई ब्रदर क्राइड व्हेन ही फेल ऑफ हिज बाइक, और ये काम हो चुका है, तो हमने इसको क्राई की जगह सी आर वाई होता, तो वाई हटाकर आई डाल दिया और ई डी आर किया था, और ये बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, सॉरी पास्ट टेंस. वी हरी टू द स्टेशन टू कैच द ट्रेन. अब हरी एच यू आर आर वाई को हमने हटाकर कैसे बना दिया, आई ई डी, हमने जल्दी ही ताकि हम स्टेशन पे पहुँच कर ट्रेन को पकड़ सकें. डैड ट्राई टू हेल्प मी विद माई वर्क. ओके, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ प्रेजेंट से रिलेटेड. अगर तो ये यहाँ पर क्या होता, अगर तो ये यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता, तो यहाँ पर डैड ट्राइज टू हेल्प मी विद माई होमवर्क होता. डैड कोशिश करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता, डैड ट्राइज, और यहाँ पर एस हम लगा लेते हैं डी की जगह, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे पास्ट प्रेजेंट टू पास्ट बनाने के वर्ड्स हैं, जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको हमें प्रेजेंट में कैसे लिखना है, पास्ट में कैसे लिखना है. ओके, और मैंने आपको बोला था कि अगर सिंगुलर है और हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो तब हम प्लूरल बनाते हैं एक्शन वर्ड को, और प्लूरल बनाने के भी बहुत तरीके होते हैं. तो जैसे कि जहाँ पर टी आर वाई है तो हम इसको टी आर आई ई एस बना लेते हैं. ओके, तो आई होप ये जो आपको क्लियर हो रहा है. तो दिस इज़ द रीज़न मैंने आपको साइड बाय साइड कराया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ताकि दोनों का आपको मैं बता सकूँ, ठीक है. तो ये अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो हम डी की जगह एस लगा लेते और ये डैट ट्राइज टू हेल्प मी विद माई वर्क आ जाता, और क्योंकि अभी सिंपल पास्ट टेंस है तो डैट ट्राइड. ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ओके विथ सम शॉर्ट वर्ब्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट यू मस्ट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ई डी. तो अभी तक हमने तीन तरीके पढ़े. एक तो हमने पढ़ा कि सिंपली हमें जब ई से वर्ड एंड होता है तो हम उसमें सिंपली डी ऐड कर दें, ठीक है. सेकेंड हमने पढ़ा अगर वर्ब एंड होता है वाई से तो उसमें वाई की जगह आई लिख दो और ई डी ऐड कर दो. और तीसरा अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई शॉर्ट वर्ब्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट में ऐड एंड होते हैं. कॉन्सोनेंट आपको पता ही है ना, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे के जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में ए टू जी तक, वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. और वो आपको मैंने करा दिया था ना इनिशियल क्लासेस में. तो विद सम शॉर्ट वर्ब्स अगर आपका वर्ब एंड होता है किसी कॉन्सोनेंट में तो यू मस्ट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ई डी. तो आपको उस कॉन्सोनेंट को डबल करना होगा, उसको दोबारा से लिखना होगा और फिर ई डी ऐड करना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें रिप्ड माई शर्ट, रिप एक वर्ड है, शॉर्ट वर्ब है. हमने पी से ये एंड होता है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, राइट. और हमने इसको डबल कर दिया, हमने इसको एक और पी लगा दिया तो डबल हो गया, राइट. और फिर हमने इसमें ई डी भी लगा दी, ठीक. तो दिस इज आई क्लाइम्ड ओवर द फेंस एंड रिप्ड माई शर्ट.
राइट, यहाँ तक समझ आया? जैसे ये फेंस में चढ़ा, मैं फेंस पर चढ़ा और मैंने अपनी शर्ट, क्या कह सकते हैं इसको, काट दी या फाड़ दी, जो भी है। ओके, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्लाइंब्ड भी तो यहाँ पर पास्ट बताता है। एग्जैक्टली, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन हम यहाँ पर उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें जो शॉर्ट वर्ब्स हैं और हम उनको डबल करना है। ये तो फिर पहली वाली कैटेगरी आ गई ना, क्लाइंब के बाद हमने ईडीआर कर दिया। सॉरी, ये पहली वाली कैटेगरी भी नहीं है, पहली वाली कैटेगरी तो वो थी जो ई से एंड होती है, ठीक है, ये अलग कैटेगरी है, ये हम अलग करेंगे। क्लाइंब है और ईडीआर करना है, दैट इज सो सिंपल। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर ग्रैब्ड माई आर्म, तो स्ट्रेंजर ने मेरी आर्म को ग्रैब किया, यू नो, खींचा और या फिर पकड़ा जोर से। ग्रैब है, बी से एंड होता है, बी हमारा कॉन्सनेंट है और हमने इसको डबल कर दिया, दूसरा बी लगा दिया और ई डी लिख दिया, राइट। आई होप ये आप समझ रहे हैं। उसके बाद द डॉग वेक्ड इट्स टेल व्हेन इट सॉ द बिस्किट्स, है ना। अब जैसे अब डॉग बिस्किट्स देखता है जब, तो वो क्या करता है, अपने दो हिलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्ड। अच्छा, जी से एंड होता है, जी कॉन्सनेंट है, डबल कर दिया हमने, ई डी लगा दिया, ठीक। उसके बाद ही स्लैम्ड द डोर एंड वॉक्ड ऑफ एंग्रीली। ओके, वॉक्ड है, अगर आप देखें ये भी यहाँ पर शॉर्ट वर्ब है, सॉरी ये भी यहाँ पर ये भी वर्ब है, पास्ट वाला, पास्ट टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन हमने इसमें सिर्फ ई डी ऐड कर दिया है। ओके, इसको छोड़ो, हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, जो एम से एंड होता है, यानी कॉन्सोनेंट से एंड होता है, शॉर्ट वर्ब है और हमने इसको क्या करना है, डबल करना है पहले इसके लास्ट अल्फा लेटर को, जो कि एम है, हमने डबल किया और ई डी लगा दिया। आई होप ये आप समझ रहे हैं, ठीक है, पकड़ पा रहे हैं। तो तीन कैटेगरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी, क्लोज जहाँ पे ई से एंड होता है, फिर वाई से एंड होता है और तीसरा जो शॉर्ट वर्ब है जिसमें हमें डबल करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट मैं आपको वॉज एंड वर्ब करा रही हूँ। जैसे हमने पहली क्लास, तो इससे पहली क्लास है और जब हमने रिविजन की थी उसमें हमने आई एम और आर का बताया था, ठीक है, इसका मैं वॉज और वर्ब में बताती हूँ आपको। ये भी पास्ट फॉर्म्स हैं किसके, बी के। वो थे किसके, प्रेजेंट फॉर्म्स, आई वगैरह के, राइट। और ये है वॉज एंड वर्ब। अच्छा, वॉज इज सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ एम एंड इज, ठीक। इज और एम का तो आपको पता चल ही गया। अब एम हमेशा हम आई के साथ यूज करते हैं, इज हम कब यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ, ही इज, शी इज, इट इज, राइट, और प्रेजेंट के लिए करते हैं। और इसी का जो पास्ट फॉर्म है वो है वॉज, मतलब एम के लिए भी वॉज है और इज के लिए भी वॉज है। यूज वॉज विथ सिंगुलर नाउन्स लाइक माई डैड एंड टीचर एंड विद द प्रोनाउन्स ही, शी एंड इट। ये जो वॉज है हम किसके साथ यूज करते हैं, वॉज है पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म एम की, इज की, लेकिन हम उसको यूज कब करते हैं, एम को हम, वॉज को हम कब यूज करते हैं, वॉज ही और शी और इट। और अगर ही शी इट ना लिखकर हम सीधे सीधे ये लिख दें माई डैड, माई मॉम, द टीचर, द सन, जो भी है, जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नाउन्स है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं। ओके, उसके बाद वर्ब क्या है, सिंपल है, वॉज, अगर वॉज तो हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, अगर प्लूरल है नाउन्स तो क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। और वर किसका पास्ट फॉर्म है, वो है आर का, ठीक है। तो जो भी आर जब जब हम यूज करते हैं तभी तभी हम वर्ब यूज करेंगे, बस फर्क इतना है कि ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है और ये पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि माय पेरेंट्स, और क्योंकि प्लूरल है, अगर माय डैड लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, माय मॉम लिखेंगे तो वॉज लिखेंगे, लेकिन अगर हम दोनों को इकट्ठा बोलना चाहते हैं, माय पेरेंट्स जिसमें माँ और बाप दोनों आते हैं, तब वर आएगा। ओके, और अगर ही शी की जगह हम जैनी एंड मैरी लिख दें या फिर दे लिख दें तो फिर तब भी वर आएगा। अच्छा,
यू मतलब सेकेंड पर्सन नाउन, सेकेंड पर्सन नाउन राइट, तो सेकेंड पर्सन नाउन के लिए भी हम वर यूज करते हैं ठीक। जैसे हमने आर यूज़ किया था लास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया आपको बताया था। उसके बाद अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है तब भी हम पास्ट के लिए उसका वर यूज़ करते हैं ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। एक बार और बताती हूँ कि वॉज हम यूज़ करते हैं एम और इसके ये उनके पास्ट फॉर्म्स हैं और वर किसकी पास्ट फॉर्म है आर की। वॉज यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के लिए, वर यूज़ होता है प्लूरल नाउन के लिए। वॉज सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से, माई डैड, माई मॉम या फिर द टीचर ठीक है, या फिर अगर प्रोनाउन होगा ही शी या फिर इट। और वर यूज़ होता है मेरे पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, जेनी और मेरी, दे, सेकेंड पर्सन के लिए यू और फिर सिंगुलर पर्सन सॉरी जो हमारा फर्स्ट पर्सन है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है वी, तब भी वर आता है ठीक। ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। फर्स्ट आई वॉज और अगर प्लूरल है तो वी वर, सेकेंड पर्सन में यू वर, यू वर दोनों सेम, और थर्ड पर्सन में तो सबके लिए सेम, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज के सबके दे वर राइट। ओके आई होप ये समझ आ रहा है। उसके बाद was what is done, okay, इसके examples हम थोड़े से कर लेते हैं। 10 years ago, I was only a baby. तो I के साथ आ गया was, है ना? अगर ये present होता तो तब तो पहले तो 10 years ago वाली बात होती नहीं, है ना? क्योंकि ये sentence ही फिर हमारा past को refer करता है तो वहाँ पर तो वही नहीं होता। हाँ अगर ये सिर्फ इतना होता आई एम ओनली अ बेबी, ऐसा तो भी नहीं हो सकता। ओके सेंटेंस को हम कुछ और देख लेते हैं। व्हेन आई वाज यंगर आई प्लेड विद टेडी बियर्स, तो जब मैं यंगर था, छोटा था बहुत, मतलब आज से छोटा था, यंगर मतलब अभी छोटा है बट इससे छोटा था ठीक है। तो आई प्लेड विद टेडी बियर्स, तो प्लेड भी हमें यहाँ पे पास्ट बताता है। सिंपल वाई है, वाई से एंड होता है, ईडी एड कर दिया है हमने, और आई फर्स्ट पर्सन है और हमने इसको पास्ट को बताना है तो हम सिंपली एम की जगह वॉज लिख देंगे। माई फ्रेंड वॉज इल यस्टरडे, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो माई फ्रेंड इज आ जाता, माई फ्रेंड इज इल, यस्टरडे हटा दो, माई फ्रेंड इज इल। लेकिन अब क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, ये हो चुका है, वो बीमार थी, तो वॉज। Mom was angry when she saw the broken vase. तो mom नाराज थी, गुस्सा थी जब उन्होंने broken vase देखा। तो broken भी यहाँ पर हमारा, क्योंकि e से end होता है broke, right? N add कर दिया है हमने। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत सारे तरीके होते हैं present को past बनाने के लिए, present words को, present action words को past action words बनाने के लिए, और आपने उसमें से अभी बहुत कम किए हैं ठीक है। अभी तो आपने जनरल कैटेगरी की है, उसके बाद ऐसी कैटेगरी भी आती है जहाँ पे एक एक वर्ड का अलग अलग होता है तरीका, तो अभी हम वहाँ पे नहीं गए हैं। हाँ कुछ कुछ वर्ड्स आप याद रख सकते हैं, जैसे ये ब्रोक है तो ब्रोकन हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके इट वॉज वेरी वेट ऑन मंडे, अगेन ये था की बात कर रहा है, मंडे था ठीक है। वेरी वेट मतलब बारिश हो रही होगी। ओके इट वॉज 6 o'clock when we got home, 6 बजे थे जब हम घर पहुंचे। अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया ये भी पास्ट फॉर्म है, ये गेट की पास्ट फॉर्म है। ओके गेट, वी गेट होम की जगह हमने वी गॉट होम लिख दिया और वॉज बताता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद वी वर अवे ऑन वकेशन लास्ट मंथ, ओके वी है सिंगल, ये है फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल फॉर्म में और हमने वर यूज़ किया है। इट हमने किसके लिए यूज़ किया है, थर्ड पर्सन नाउन के लिए ठीक है। और क्योंकि नॉन सिर्फ इंसानों का नहीं होता, वो मैं आपको पहले ही बताया था ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने इट यूज़ किया। उसके बाद जॉन एंड आई वर इन द गार्डन, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म है तो वर आ गया।
उसके बाद यू वर नैस्टी टू मी, ओके वर है, यू है, सेकंड पर्सन है तो हमने यू का वर लिख दिया, यू एंड सैली तो डे आ गया, मतलब एक से ज़्यादा आ गया, वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे, और डायनासोर वर प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, डायनासोर थे है ना प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, और दोज वर माई बेस्ट जीन्स, वो मेरे बेस्ट जीन्स थे, दीज दोज भी हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा तो आई होप यहाँ तक समझ बात आती है, ये अगर आपको शॉर्ट फॉर्म देखना है तो ये आप देख लीजिए, इनकी कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये, आई वॉज नॉट आई वॉजेंट, ही वॉज नॉट ही वॉजेंट, शी वॉज नॉट शी वॉजेंट, इट वॉज नॉट इट वॉजेंट, वी वर नॉट वी वॉरेंट, यू वर नॉट यू वॉरेंट, एंड दे वर नॉट दे वॉरेंट। अच्छा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आई तो वैसे के वैसे आएगा, वॉज भी वैसे के वैसे आएगा, ये स्पेस हटानी है और इनको साथ में जोड़ना है, और ओ हटाकर एपोस्ट्रॉफ डालना है, और ये हमारा काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, इरेगुलर वर्ब्स की बारी अब आती है। अभी मैंने आपको बताया था जो हमने जनरल कैटेगरीज की थी कि सबसे पहले अगर एंड में वाई आता है हटाकर ई डी डाल दो, अच्छा अगर तो आपका ई आता है तो आप डी डाल दो एंड में, ये सब। अब आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका अलग अलग होता है, इरेगुलर वर्ब्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका अनयूजुअल होता है प्रेजेंट और पास्ट टेंस फॉर्म, अनयूजुअल होता है, उनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। अच्छा सिंपल पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब्स इज मेड बाय एडिंग ईडी एट द एंड, है ना। बहुत सारे जो सिंपल पास्ट टेंस है वो कैसे बनते हैं, सिंपली वर्ब्स को हम ईडी लगा दो, जैसे लुक है ईडी लगा दो लुक्ड बन जाएगा, है ना, या बुक है तो बुक्ड ले जाएगा, स्ली स्ली, अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉक है तो वॉक्ड आ जाएगा, ये सब। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हमें याद रखना पड़ेगा, इरेगुलर वर्ब्स, ओके, अनयूजुअल होते हैं इनकी याद। जैसे अभी हमने ब्रोक बोला था कि सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, ब्रोकन जो मैंने आपको बोला था ना वो, सॉरी वो हम कब यूज करते हैं, ओके ओके ओके, सो सॉरी माय मिस्टेक, जो हमने ब्रोकन ऊपर किया था दैट वाज एडजेक्टिव, ओके, क्योंकि वो एडजेक्टिव्स मैंने आपको नहीं कराए हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। एडजेक्टिव होता है जो विच एड्स मीनिंग टू समथिंग, जिससे हमें कुछ चीज़ का पता चलता है और अच्छे तरीके से, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने था ब्रोकन वॉस, हाँ तो ब्रोकन वॉस था, तो ब्रोकन वॉस हमें बताता है कि वॉस जो था वो टूटा हुआ था, तो वो हमें वॉस के बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, तो बेसिकली दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, सॉरी ये वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब तो इसका ये है, ब्रेक इसका जो है, ब्रेक बेसिकली वर्ब है और ये इसका सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, ये इसका ब्रोक, इसका सिंपल पास्ट टेंस है, ब्रोक मैंने आपको वहाँ पे बताया था, बस ब्रोकन का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ओके। सो ब्रेक अगर हमें है तो ब्रेक का हमारा इज सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद ब्रिंग अगर है वो इरेगुलर वर्ब है ना, तो ब्रिंग की जगह जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो हम ब्रॉट लिखते हैं। ये पूरा लिस्ट आपको जो है ना ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा, इसको आप 5-6 बार बस पढ़ो, और पढ़ना ऐसा नहीं कि एक ही दिन पढ़ो, एक दिन में एक बार पढ़ो, फिर कंटिन्यूसली 5-6 दिन कंटिन्यूसली पढ़ो, ठीक है, तो सो दैट आपकी जो परमानेंट मेमोरी है ये फीड हो जाए। और वैसे भी मुझे लगता है आप में से तो ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मैक्सिमम वर्ड्स इनमें से हम यूज़ कर चुके होते हैं और हमें पता होता है, तो कुछ एडिशनल है उसको आप अपने इसमें मेमोरी में फीड कर सकते हो, ओके। ब्रिंग की जगह हमने ब्रॉड लिखा, बाय बॉट, कैच को हम कॉट लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, कम केम, डू डिड, फॉल फेल, फीड फेड, फील felt, fly, flew, get, got, go, went, have, had, keep, kept, kneel, knelt, know, knew, leave, left, lose, lost,
meet, met, ring, rang, run, ran, see, saw. Saw हमने अभी कर लिया था ऊपर एग्जाम्पल में. Sell, sold, sleep, slept, speak, spoke, write, wrote. ये कुछ irregular verbs हैं जो आपको याद तो करने पड़ेंगे. Okay, so ये होता है ख़त्म. अच्छा, कुछ सिंपल पास्ट टेंस जो है दूसरे इरेगुलर वर्ब्स के, उनका तो चेंज ही नहीं होता. कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो वर्ब है और जो उनका पास्ट टेंस है वो सेम सेम रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल, कॉस्ट कॉस्ट, आई बॉट अ न्यू सीडी, इट कॉस्ट $20. तो इसका सिंपल पास्ट टेंस भी सेम रहेगा, उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस भी सेम रहेगा. मतलब इसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, इसका जो वर्ब है और इसका जो सिंपल पास्ट टेंस है बिल्कुल सेम सेम रहेगा. ठीक है, ओके. कट कट दोनों सेम. माय ब्रदर कट हिज फिंगर दिस मॉर्निंग. ये देखो ना, दिस मॉर्निंग की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन क्या आपने कटर्ड कट तीज कुछ ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे, सिंपल कट लिखा है. ठीक है, तो इट मीन्स एज इट इज हम इसको यूज कर लेते हैं. देन हिट, शी हिट द बॉल इन टू अ नेबर्स गार्डन. ठीक है, अगेन हर्ट, हर्ट का भी सेम है, आई हर्ट माई लेग व्हेन आई जंप्ड ऑन द वॉल. यहाँ पे मैं अक्सर देखती हूँ, काफी लोगों का मैंने देखा है कि हर्ट को हर्टेड लिखते हैं. ठीक है, बहुत गलत है ये. हर्ट का पास्ट टेंस जो है, सिंपल पास्ट टेंस, वो हमेशा हर्ट ही आता है. ठीक है, तो आई हर्ट माई लेग व्हेन आई जंप्ड ऑफ द वॉल. जंप्ड है ऑफ द वॉल, देखो जंप जंप्ड, ईडी लगाकर हमने इसको सिंपल पास्ट टेंस बना दिया. वॉल को जब हमने जंप किया तो मैंने अपनी लेग को, मतलब मेरी लेग में लगी, तो लगी है, लग चुकी है ना, तो हर्ट, हर्टेड नहीं है, हर्ट ही आएगा. लेट लेट, मॉम ओपन द डोर एंड लेट अस इन. तो लेट का पास्ट टेंस भी लेट ही है. ठीक है, लेटेड नहीं है, हमें अंदर आने दिया, दिया हो चुका है. राइट, पुट, अगेन कुछ लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुट को पुटेड लिख देते हैं. नो, इट्स रॉन्ग, पुट का हमेशा पुट ही होता है. तो द टी टेस्टेड हॉरिबल बिकॉज आई पुट टू मच शुगर इन इट. तो देखो ना, ये इससे हमें पता चलता है, द टी टेस्टेड, टी में बिल्कुल मज़ा हॉरिबल था, मतलब बहुत ख़राब थी, बिकॉज आई पुट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शुगर उसमें ऐड कर ली थी. ठीक है, पुट. रेड रेड, अच्छा रीड और रेड. अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि जब जो वर्ब होता है उसको हम रीड पढ़ते हैं, और जिससे जो उसका पास्ट फॉर्म होता है उसको हम रेड पढ़ते हैं. बस इतना डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है. रीड और रेड, ओके, रीड पढ़ते हैं इसको और इसको रेड पढ़ते हैं. डैड रेड अस अ स्टोरी लास्ट नाइट. ठीक है, तो लास्ट नाइट में स्टोरी डैड ने हमें सुनाई, पढ़ा के सुनाई ना. ओके, तो आई होप ये समझ आता है. यहाँ तक ख़त्म हो चुका है हमारा सिंपल पास्ट टेंस. ओके, और ये हमारे कुछ एक्सरसाइजेज हैं. आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप ये ट्राई ज़रूर करें. ठीक है, आप क्लास को पॉज करें और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख दें. अगर नहीं आप फिजिबल है आपके लिए, तो आप अपनी जगह अपनी नोटबुक में ये जो है नोट डाउन करें और ट्राई करें एटलीस्ट. ओके, फिर एक्सरसाइज 11 भी आ गया. ओके, कंप्लीट योर सेंटेंस विद सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स. द बॉय विस्पर सीक्रेट्स टू ईच अदर. द बॉय विस्पर्ड, राइट. अंकल बेन डैश टू कैच. अंकल बेन डैश टू कैच इज वर्स हरीड, है ना. तो ये सब ओके. उसके बाद what red was and were in the blank space in the following space. It was a beautiful summer's day and there wasn't
देर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, वॉजेंट अ है ना तो वॉज आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अ है तो वॉज आएगा. मॉम डैड एंड आई, तीन लोग हैं, प्लूरल फॉर्म है. डैश ऑल इन द गार्डन, डैड डैश इन द वेजिटेबल गार्डन प्लांटिंग सम ट्रीज. अच्छा अभी तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली, आप इसको करेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको. और ये भी आप करेंगे, आई डैश वॉच माई वॉच इन द पार्क, आई लॉस्ट. लूज आएगा क्या? नहीं, गलत है, लॉस्ट. डेविड हर्टेड आएगा? नो. डेविड हर्ट हिज नी व्हेन ही फॉल्ड? नो. व्हेन ही फेल सॉरी. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आपके जितने भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो जाएंगे. इसको तो आप लाजमी, मतलब मैंडेटरी इसको करें ही करें. ओके, सो यहाँ तक हमारी क्लास होती है ख़त्म. आई होप आज की क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी और आपने सीखा कुछ. प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कुछ और इसमें कन्फ्यूजन लगा या कुछ भी ऐसा, ठीक है. और बाकी के जो भी एक्सरसाइज है वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. बट मेक श्योर कि आप ट्राई ज़रूर करेंगे, ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. आई रियली नीड योर प्रेयर्स एंड गुड विशेस. और अपना ख्याल रखें, तब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.